शनिवार को कृषि मंत्री इंद्र सिंह कंसाना मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के कार्यक्रम में पहुंचे। संघ की ओर से सम्मान समारोह एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जहां प्रदेश भर से आए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री पहुंचे थे, जहां शॉल शरीफों के साथ अधिकारियों ने उनका स्वागत एवं सम्मान किया। मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को कृषि मंत्री के समक्ष रखा। इन मांगों पर कृषि मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जो मांगे उनके लेवल की हैं उन मांगों को 15 दिन के अंदर पूरा कर दिया जाएगा, और जो मांगे उनके लेवल से ऊपर की है उन मांगों पर समय रहते कैबिनेट के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की जाएगी। कार्यक्रम में कृषि विस्तार अधिकारी संघ के अध्यक्ष मनोहर गिरी, डॉक्टर अजय कुमार कौशल समेत प्रदेश भर से आए अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, और उनकी जो जो भी जायज बातें हों उनका नाकड़ जल्दी जल्दी बिल्कुल देना चाहिए। महिलाओं का सम्मान हमारी सरकार करती है, मैं करता हूँ, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। इसलिए पहली मेरी प्राथमिकता है कि महिलाओं का मान सम्मान और काम होना चाहिए। निश्चित तौर पे हम पूरे आशावादी हैं, आशान्वित भी हैं कि माननीय मंत्री के सामने हमने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी है, इसमें निश्चित तौर पे मंत्री जी इसको पूरा करेंगे। और जैसे आपने अभी उनके भाषण में भी सुना, उद्बोधन में भी सुना, वो पूरे विभाग के संगठन के साथ हैं, और हम लोग को जो हमने मांगे हैं वो पूरी जायज़ मांगे हैं। वास्तव में सालों से उस चीज़ के लिए संघर्ष चल रहा है, विश्वास है कि ये आज मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ, मध्य प्रदेश कृषि विकास अधिकारी संघ एवं मध्य प्रदेश कृषि अधिकारी संघ के तीनों के संयुक्त रूप से आज हमने कृषि विभाग का सम्मान समारोह एवं परिसंवाद का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों संगठन ने आज 11 सूत्रीय मांगों के बारे में अपने माननीय मंत्री को ज्ञापन दिया। उसमें ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का ग्रामीण शब्द हटाने, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को राजपत्रीय अधिकारी घोषित करने एवं वरिष्ठ पद पर उच्च प्रभार देने की जो अन्य सूत्री मांगे रखी थी, उन्होंने आज तीन मांगों पर निर्णय लिया है, और निश्चित ही हमारी आज मांग और है उसके ऊपर भी माननीय मंत्री जी शीघ्र निर्णय लेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया।